स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर है कि जारी हो चुकी है अनलॉक 3 की गाइडलाइन। जानेंगे क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। साथ ही दोस्तों 5 अगस्त से सरकार देगी इस काम की छूट, तो जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही दोस्तों सरकार ने 35 साल बाद शिक्षा नीति में किया बदलाव। जानेंगे अब शिक्षा को लेकर क्या नई व्यवस्था को लागू करने वाली है सरकार, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों रेलवे में यात्रा करने से पहले जान ले ये 9 नियम ताकि आपकी यात्रा में कोई अड़चन न आ सके। जी हां, तो जानेंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे 19 अगस्त तक नहीं मिलेगी मोबाइल 4G इंटरनेट सेवा। गृह विभाग ने बढ़ाई पाबंदियों की मियाद। इसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन पर बड़ी खबर, अब 31 अगस्त तक लागू हुआ लॉकडाउन, जानिए क्या मिलेगी छूट। साथ ही दोस्तों सरकार ने अब सैनिटाइजर उपयोग और बेचने पर लागू किया नया नियम। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने बदल दिए सैनिटाइजर बेचने से जुड़े नियम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, सरकार ने इसे बेचने के अनिवार्य लाइसेंस के नियमों को अब आसान करने का फैसला किया है। साथ ही देश में किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर को बेचा जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत ये छूट प्रदान की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि विक्रेता ये सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने के बाद नहीं हो। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, 14 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र, राज्यपाल ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी संकट के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। दरअसल राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की अशोक गहलोत सरकार के चौथे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें कि राजभवन ने अशोक गहलोत सरकार की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग वाली फाइल तीसरी बार वापस लौटा दी थी। इसके बाद बुधवार शाम को एक बार फिर राज्य सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके 2 घंटे बाद ही राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 19 अगस्त तक नहीं मिलेगी मोबाइल 4G इंटरनेट सेवा। गृह विभाग ने बढ़ाई पाबंदियों की मियाद। जी दोस्तों, मोबाइल 4G इंटरनेट बहाली के कयासों को विराम लगाते हुए प्रदेश के गृह विभाग ने पहले से जारी पाबंदियां 19 अगस्त तक बढ़ा दी है। आदेश में यदि कोई संशोधन नहीं किया गया तो हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट पर 19 अगस्त तक पाबंदी रहेगी। केवल ब्रॉडबैंड और मेक बाइडिंग के साथ फिक्स्ड लाइन इंटरनेट कनेक्शन पर ही सेवा मिलेगी। वहीं गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने कहा है कि प्रदेश में अगले कुछ हफ्ते संवेदनशील है। बता दें कि संवैधानिक बदलाव की वर्षगांठ 5 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस पर देश विरोधी तत्व हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर माहौल खराब कर सकते हैं। इसके साथ ही पुख्ता इनपुट भी है कि परिस्थितियों में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी जरूरी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, 31 अगस्त तक लॉकडाउन को दी मंजूरी। साथ ही राज्य ने बदले ये नियम। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की है। अब इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस दौरान कई तरह की चीजों को छूट भी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने सबसे अधिक तांडव मचाया हुआ है। प्रदेश में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई है, अब इनमें कुछ ढील भी दी गई है। हालांकि अभी कई चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 अगस्त से महाराष्ट्र के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं ग्रेटर मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर में मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है। अनलॉक 3 की गाइडलाइन हुई जारी, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। वहीं नए दिशा निर्देश के मुताबिक योग संस्थाओं और जिम को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से सामाजिक दूरी समेत अन्य निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। आइए जानते हैं आलोक 3 में क्या मिली है राहतें और किन पर जारी रहेगी पाबंदियां। जहाँ दोस्तों स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है। वहीं सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है, यानी अब रात में लोगों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। साथ ही 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज को बंद रखा जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों जो भी नियम है वो पहले अनलॉक 2 की तरह ही लागू रहेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन, इन 9 नियमों का करना होगा पालन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के दौर में भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। रेलवे ने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह यात्रियों से किया है। रेलवे के इन गाइडलाइंस में मास्क पहनने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने जैसी अहम सलाहें भी शामिल है। जी हां दोस्तों, गाइडलाइंस के अनुसार रेलवे स्टेशन पर एंट्री केवल कन्फर्म ई टिकट के जरिए की जा सकेगी। इसके साथ ही साफ किया गया है कि कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भी ई टिकट दिखाना जरूरी होगा। साथ ही यात्रियों को यात्रा के समय से करीब 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही यात्रा की एंट्री मिलेगी। साथ ही एंट्री के समय कोच और स्टेशन छोड़ने के समय हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। यही नहीं, ट्रेन में एंट्री करते समय और यात्रा के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही सफर से पहले सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना जरूरी है। साथ ही यात्रा के दौरान कंबल, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। वहीं यात्रियों को अपने साथ खाना और पानी लाना होगा। इसके साथ ही यात्रियों को सुविधा के लिहाज से कम लगेज रखने की सलाह दी गई है। साथ ही ट्रेन में चढ़ते समय और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। वहीं यात्रियों के लिए गंतव्य स्थान के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। दरअसल केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे थे। साथ ही शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं उनकी जानकारी भी दी गई है। नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा। वहीं लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुंचने का लक्ष्य है। वहीं मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। वहीं आज की बात करें तो इस व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के हित में यह बड़ा फैसला किया गया है। स्कूल शिक्षा में हुआ बदलाव। जी दोस्तों, स्कूल शिक्षा की सचिव ने स्कूलों को लेकर किए गए बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे आमतौर पर 1 से 3 क्लास में होते हैं उनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया गया है ताकि बच्चे बुनियादी साक्षरता और न्यूमेरेसी को समझ सके। वहीं स्कूली शिक्षा के लिए खास करिकुलर 5+3+3+4 लागू किया गया है। इसके तहत 3 से 6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। वहीं फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई करने का भी इजाजत दी गई है। साथ ही कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी।
वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम रखा जाएगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगी, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए एमफिल करने की अब जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।